राजस्थान की विधानसभा में दो दिन तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने जब विधानसभा की कार्रवाई को हंगामे के बीच अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया, उसी वक्त उन्होंने कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर को आसन के अभद्र टिप्पणी करने और आसन की आज्ञा का पालना नहीं करने के आरोप के साथ में अगले 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। सारे प्रक्रिया से, इनके व्यवहार से दुखी होकर, आक्रोशित होकर मैं प्रस्ताव करता हूँ श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। मुकेश भाकर के निलंबन के साथ ही अब कांग्रेस पूरी तरीके से आग बबूला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साफ कह दिया कि जिस तरह से संवैधानिक नियम है उनकी अवहेलना करके जिस तरह से कांग्रेस के विधायक को निलंबित किया गया है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता के बीच में लेके जाया जाएगा और बताया जाएगा किस तरह से मौजूदा सरकार है वो संविधान की पालना नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी के जो विधायक हैं या संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने उस आरोप को भी खारिज किया जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में इस बात का सवाल उठाया था कि विधि मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उन्होंने नियमों के विरुद्ध जाकर अपने बेटे को AG बना दिया है। यानी कि जो विवाद था वो यहीं से शुरू हुआ था और इसी के साथ में कांग्रेस के विधायकों ने जब सदन में हंगामा किया या अपनी बात जब विधानसभा अध्यक्ष के सामने रख रहे थे, उसी दौरान मुकेश भाकर के जो हाथ के इशारे थे उसी से नाराज होकर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें 2 दिन के लिए निलंबित किया था। लेकिन निलंबन का विवाद इस कदर बढ़ा कि सदन में 2 दिन तक जबरदस्त हंगामा रहा और हंगामे के बीच में सदन की कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं चली और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से सदन में 2 दिन तक जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला वो अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति है कि अब इस मुद्दे को आम जनता के बीच में ले जाकर ये बताया जाए कि किस तरह से सत्ता पक्ष में आने के बाद में बीजेपी ने अपने जो नियम हैं, जो संविधान के जो नियम हैं, उनकी पालना अवहेलना कर रही है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत, जयपुर।